छोड़ना, और छोड़ने के लिए सिर नहीं हिलाना पड़ता, कुछ छोड़ते हैं ना, सिर हिलाने की जरूरत नहीं, खाली देखो। यही कपालभाति। इससे अब देखो, पहले तो मैंने यहां की एक्सरसाइज बताई, स्टमक, इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में दिक्कत है तो क्या होगा, गैस बनेगी, हजम नहीं होगा भोजन ठीक से। छोटी आंत में दिक्कत है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, बड़ी आंत में दिक्कत है तो फिर आव बनने लगेगी। कपालभाति के करने से छोटी बड़ी आंत दोनों ठीक हो जाती है, इंटेस्टाइन। करो करो, कभी भी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज नहीं, गैस नहीं, एसिडिटी नहीं। ज्यादातर लोगों को एसिडिटी बनती है, ज्यादातर लोगों को गैस होती है। कपालभाति प्राणायाम से गैस और एसिडिटी खत्म। प्राणायाम क्या करता है, आपकी दिनचर्या में को ठीक कर देता है, आपकी जीवनचर्या को ठीक कर देता है, आपके डाइजेशन को ठीक कर देता है। हर आदमी यही तो चाहता है ना, भोजन के समय अच्छी भूख लगे, खा करके हजम हो जाए, और दूसरे दिन टॉयलेट में जाए तो वहां वक्त ना लगे। लेकिन उल्टा ही हो रहा है, पहले खाने में दिक्कत, खा लिया तो पचाने में दिक्कत, और थोड़ा बहुत पच भी गया तो दूसरे दिन निकालने में दिक्कत, खींचातानी चलती रहती है। मैंने कहा भाई प्राणायाम कर ले। बोले स्वामी जी वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा टॉयलेट में कितनी देर लगाते हैं? बोले बस आधा घंटा। मैंने कहा और ज्यादा देर ठहरने की इच्छा है क्या? और देखो कपालभाति करो तो टॉयलेट में जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत से लोग टॉयलेट में, शौचालय में जोर आजमाइश करते हैं, जोर लगाते हैं, उससे क्या होता है, पुरुषों को धातु रोग होता है, शुक्र क्षय होता है, और माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलने लगता है। याद रखना, लैट्रिन में जोर नहीं लगाना चाहिए। तो क्या करें, पहले कपालभाति में जोर लगाओ, लैट्रिन में जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जोर आजमाइश करने से ताकत बढ़ती है, अपूर्ध रेता होते हैं, शुक्र क्षय रुकता है, धातु रोग रूप मिटते हैं। इतना जबरदस्त प्राणायाम, छोटी सी बात है। प्राणायाम की विधि भी बता दी, इसके लाभ भी बता रहा हूं। इंटरनल एक्सरसाइज देखो भाई, रुक जाओ एक बार, देखो इससे क्या होता है, लंग की भी एक्सरसाइज होती है, गले की भी एक्सरसाइज होती है, थायराइड की भी, गले की और ही ज्यादा एक्सरसाइज करनी हो ना। ये इंटरनल एक्सरसाइज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंटरनल एक्सरसाइज जिससे कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे होने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन ठीक हो जाए। और यदि हार्मोन्स का सिक्रेशन ठीक है तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती आपको। थायराइड से T3 T4 TSS का सिक्रेशन नॉर्मल है तो कैसे होगा अब नॉर्मल थायराइड? इसलिए मैं कहता हूं थायराइड क्योर होता है। क्यों? क्योंकि जब थायराइड से होने वाले जो सिक्रेशन हैं हार्मोन्स के, वो जब ठीक हो गया तो क्यों खाएगा मेरे भाई गोली? ये बोला हाइपो हाइपर थायराइड हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, तो कपाल भाती कर और रुझाई कर ले, देखो ये कैसे होता है। ये इंटरनल एक्सरसाइज दे रहा था मैं अभी आपको। दो तीन तरह से मैं प्राणायाम के लाभ बताने की कोशिश करता हूँ, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। प्राणायाम के अलग अलग लाभ है, वो आपको आज भी बताएंगे, आगे आने वाले दिनों में भी इनकी सूक्ष्मता समझाएंगे। गले की दिक्कत है, गले की, एक तो ये मैंने बताया वोकल कोड की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पैराथायराइड की प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, अंदर छिद्र हो जाते हैं गले में। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, रात को खर्राटे मारते हैं बहुत से, इतनी जोर जोर से मारते हैं। एक कुछ तो ऐसे मिले मुझे, बोले स्वामी जी पड़ोस के घर में भी सुनाई देता है इतनी जोर से, बहुत जोर से खर्राटे। तो क्या करें, खर्राटे का कोर्स पहले ही पूरा कर लो। क्या है, उज्जाई प्राणायाम 3 से 11 बार कर लेना। थायराइड की प्रॉब्लम क्योर, कपालभाति उज्जाई, थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी नहीं, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, ये खर्राटे की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। क्या करना, बहुत
भरने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेफ्ट से, लेफ्ट से बाहर छोड़ दे। श्वास को अंदर भरेंगे उज्जायी प्राणायाम में। अंदर भरने के बाद जो पूर्ण स्वस्थ है वो थोड़ा रोक सकते हैं, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिना ही रोके राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। करना कैसे है, गले को टाइट करना, सिकोड़ना, आकुंचन करना और अंदर भरना श्वास। थोड़ी देर रोकने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ दे। ये उज्जायी गले के लिए, थायराइड के लिए, स्नोरिंग के लिए बहुत अच्छा। सहयोगी प्राणायाम कपालभाति का, वैसे कपालभाति से भी थायराइड मैक्सिमम लोगों का ठीक हो जाता है, ना हो तो इसको भी कर सकते हैं साथ में, और कभी कभी कर लिया जाए। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रोज भी कर ले तो क्या आपत्ति है। उज्जायी में अंदर भरा, फिर बाह्य प्राणायाम, अंदर भरना, बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देना और तीन बंद लगाना। देखो इसे फिर अंदर भर लेना, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, होल्ड कर दिया बाहर, छोड़ते समय पहले ज्यादातर बंद घोटाया, फिर उड़ियान बंद, मूल बंद, हटके त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ जालंधर बंद ठोड़ी को कंठकूप में लगा देना, उड़ियान बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, मूल बंद नाभि से निचले भाव को पर खींच के रखना, जिससे ये ना हो बाह्य प्राणायाम। तो क्या करें, अग्निसार सांस को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दे, पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। देखो ऐसे जिसका पेट ऐसे हिल जाएगा उसका पेट में कोई बीमारी रहेगी, पेट ही नहीं रहेगा, फैट ही नहीं रहेगा, ये मोटा मोटा पेट छोटा छोटा हो जाएगा। देखो भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य, फिर अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में भी देखो यहाँ छाती में श्वास भरते हैं, कैसे जरा देखो सामने, बाएं से लिया, दाएं को बंद किया अंगूठे से, देखो ऐसे दाएं नाक को ऐसे पूरा भरने के बाद दाएं से बाहर छोड़ देना धीरे धीरे, दाएं से लेना, बाएं से बाहर छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से बाहर छोड़ देना। करो सभी, छाती में भरना डायफ्राम तक, पूरा फेफड़े यहां तक भरेगा श्वास, इस भाग में श्वास भरेगा पूरा, ये जो यहां तक भरेगा पूरा श्वास। सामने छाती तन जाती है जब श्वास भीतर गहरा भरते है। देखो ऐसे इतना ऐसे भरना और ऐसे बाहर छोड़ना, करो करो अभी।
करो करो सभी करो, रुको मत, लगातार करो, जरा 1 से 2 मिनट तो करना ही चाहिए आपको। अब बीच में रुक जाते हैं, सहज करो ना, एकदम सहज। देखो हाथ ऐसे रहेगा, एकदम सामान्य अवस्था। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे कर, लेकिन करना जरूर। ABP News, आपको रखे आगे।